हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मधु व्लॉग। आप सबको हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार और ढेर सारी दुआएं। तो दोस्तों, आज का व्लॉग आपको हमें आगरा को जा रही हूँ। सो आगरा में आपको स्पेशली आगरा फोर्ट, बाद में ताजमहल, वो सभी देखने के वास्ते। बच्चे आपको इतनी दूर आपको कैसा आगरा देखना नहीं जाना। सो अम्मी हमें ताजमहल देखना अगर को बोले तो यहाँ को प्लान चेंज कर डाले। उनके मामा भी फ़ोन में बोल डाले, अच्छा जाको आ जाओ अगर को बोल को, तो हमें एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ रुके। तो दोस्तों डिनर कर ले को निकल जाएंगे अगर को बोल को, हमें डिनर कर रही, डिनर कर ले को अब हमें निकल गए। हमें निकले बस को, यानी कि हमें वॉल्वो बुक कर रहे थे, स्टॉप को आको बस में चढ़ को अब हमें आगरा को निकल गए। देखने के लिए दीवाने आम है, मोती मस्जिद है, जुदाई का महल है, शीश महल है, ये सब देखने का। 50 रुपए का टिकट है सब कुछ घूमने का। 15 साल तक के बच्चों का टिकट फ्री है, वो सामने टिकट विंडो है, मासिक टिकट नहीं है, डायरेक्ट एंट्री है। तो दोस्तों हमें आगे आगरा फोर्ट के पास ऑटो वाले भैया भी बहुत अच्छे उन्होंने मिले थे, उन्होंने आपको हमना थोड़ा गाइड कर ले को है क्या क्या है क्या क्या नहीं कर को। एक्चुअली उन्होंने पहले बोल डाले आगरा फोर्ट में आपको 75% आपको इंडियन आर्मी के कंट्रोल में है और पूरा लॉकर को ही 25% ही पब्लिक को देखने छोड़ को ही इंसो कर को, और यहाँ की एंट्रेंस फीस 50 रुपीज बोले उन्होंने। तो चलो अब हमें जाको टिकट ले लेको अंदर जाएंगे। तो दोस्तों अंदर एंटर होते ही चेकिंग होती थी, चेकिंग कर ले को हमें टिक टांग को, वहाँ से अंदर निकले तो बड़ी एक बिल्डिंग के सका दिखता था, यानी कि 4-5 फ्लोर के जैसी। लेकिन ये आपको इसका, ये आपको मेन गेट, फर्स्ट गेट, ये गेट का नाम आपको अकबरी गेट। यहाँ आपको जब भी राजा आते थे पूरा बाहर ऊपर से फूलान डालते थे, सो इधर उधर ड्रम्स मारने वाले थे और नाच गाने वाले सभी ऊपर नाचते थे, फूलान डालते थे। तो ये आपको मेन गेट, फर्स्ट डोर आपको अकबरी गेट। देखो ये नज़ारा, वो राजा ऊपर जाने के टाइम पर सराउंडिंग में सभी ड्रम्स रखो थे और ऊपर दरीचे में से फूलान डालते थे सो। और चलो अब ज़रा सामने गए तो हमें देखते, देखो ये आपको अकबरी गेट। अरे रे रे रे, यहाँ देखो आप सबका चप्पल भी टूट गया। उसके बाद हमें निकल गए सामने। यहाँ आपको दोस्तों जब भी दुश्मन कौन तो भी किले के अंदर घुस के तो यानी कि इन्फॉर्म कर डाल को रहती हैं एक्चुअली पहरेदार, तब आपको ये जगह कैस कैसे बनी का तो वो होल्स बना को ही ना, वहाँ वहाँ गर्म गर्म तेल पानी डाले तो पूरे भी दुश्मन के ऊपर पड़ता है, रिटर्न चले जाती घर को। और ये जो तुम्हें देख रही ये आपको जहांगीर महल, जहांगीर महल आपको इसमें आपको क्या है कतो स्पेशली ये जहांगीर महल में शाहजहां को कैद करको रखे थे सो। और आपको अकबर का मंदिर भी ये महल में है सो। तो यहाँ मैं वीडियो से शूट कर रही अकबरी महल, मतलब फरीदा कुपला होना कर को बोले पूरे वीडियो शूट कर रही। और ये बात तब आपको जहांगीर जब छोटे थे उन्होंने आपको इसमें पानी नहाते थे सो कहते। तो दोस्तों ये आपको जहांगीर का टब, जहांगीर का ये आपको उनके मामा उनको गिफ्ट दिए थे सो। बचपन में दासियाँ उनको यहाँ पानी नहलाते थे इसका थे। ये टब आपको एक ही चेक बड़े पत्थर में बना को ही सो, 3 सीढ़ियाँ बाहर 3 सीढ़ियाँ अंदर ही। और आपको अकबर आपको ये महल को आपको पूरा एक 2.5 किलोमीटर्स में पूरा ये आपको कवर कर को ही कंपाउंड। और आपको तुम्हें जो देख रही ये आपको जहांगीर महल अकबर आपको उनके बेटे के वास्ते बनाए थे सो। और इसकी नक्काशी करा को ही ना, वो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, सामने से देखने बहुत अच्छा है दोस्तों।
और हवा अच्छी थी, मुसलेक था मौसम, को लाइट झड़ी शुरू हो गई थी। क्या अल्लाह ये हमें फिरने तो ऐसा होगा ना करने का, एक्चुअली हमने थोड़ा मूड ऑफ होगा था। उसके बाद वो आपको हमें पूरा बाहर फिर को देख ले को मेन गेट के अंदर जा रही, या आपको मेन गेट ये आपको इसके दरवाजे आपको ब्रिटिश आते इस टाइम को चेंज कर डाले उसके अवल यहाँ के दरवाजे अच्छे थे घर को। जब भी जहांगीर आते थे तो राइट साइड लेफ्ट साइड आपको ड्रम्स रख को उनको वेलकम करते थे, और ऊपर आपको पूरा सुना चांदी से सवार को थे, पूरा भी अंग्रेज़ आपको पूरा उठा ले चलेगी यहाँ से, आप क्या भी नहीं है। और राइट साइड फिर को हमें फर्स्ट लेफ्ट मारते ही एंट्रेंस का नज़ारा बहुत अच्छा था दोस्तों, यानी कि हमें अंदर आगे। तो दोस्तों अब हमें जा रही सो अंदर एंट्रेंस आपको इसे रंग महल कर को बोलती। ये आपको वो ज़माने में जब कोई उसे तो भी फंक्शंस क्या तो भी त्यौहार रहती तो पूरे मिल को यहाँ त्यौहार मनाते थे कते। यहाँ आपको ऊपर राजा आपको बैठ को देखते थे, और वो आर्च के सका दिसरा है ना उसमें आपको दासियाँ उनके बैठते थे कते, पूरे फूला उछाल ले को यहाँ सभी बैठ को फंक्शंस डांसर्स सभी देख ले को खाना खाते थे सोगते। तो दोस्तों यहाँ पर जोधा का किचन भी है, जोधा का पूजा रूम भी है, लेकिन पूरा भी अंग्रेज़ों के ज़माने में पूरा तोड़ को ख़राब कर को छोड़ डाली। लेकिन यहाँ पर आपको अब भी इतने प्यारे ही डिज़ाइंस, यहाँ को कलर्स देखो दोस्तों पूरा कलर्स कर को थे सो बहुत खूबसूरत था रिंगा वो ज़माने में। और ये व्यू देखो दोस्तों, जब शाहजहाँ को 8 साल ये कैद कर को रखे थे जहांगीर, तब आपको इन्हों यहाँ पे यहाँ से ताजमहल का नज़ारा दिखता है देखो, यहाँ से चुनो मुमताज की याद में देख ले को 8 साल गुजारे सो ताजमहल का व्यू दिखता है यहाँ से देख लेते सुनो। उसके बाद आपको हमें पूरा भी फिर ले को यानी कि झड़ी शुरू हो गई थी, ज़्यादा हमें टाइम ये करने नहीं हुआ अभी ताजमहल देखना ना कर को बोल को हमें वहाँ से निकल जाएंगे कर को बोल को फिर ले को पूरा राउंड मार ले निकल ले का आगे। तो गाइस हमें आपको ही अकबर फोर्ट को अब हमें यहाँ से जाती ताजमहल, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना को ही देखें, कारीगरी बहुत प्यारी है। तो चलो अब हमें ताजमहल को जाइए। चलो गाइस अभी सब कुछ हो चुका है, फोटो सब कुछ लेकर की हमें टायर्ड फुल हो गए, तो चलो अभी ताजमहल चलते हैं। क्या भी नहीं है क्या भी नहीं है क्या तो मिलता कर गया मेरा भाई पैसा, देख दो तरफ पैसा बैठी वहाँ गल ना तो दोस्तों हमें आपको पूरा आगरा का फोर्ट देख ले को अब हमें निकल रही है। तो झड़ी शुरू हो गई है, फुल ठंड है, हमने मालूम नहीं था बारिश आता कर को बोल को, नहीं तो प्लान हमें चेंज कर डालते। इतनी दूर आको हमें अजमेर तक का ताजमहल देखना कैसा जाना सो कर को बोल को बच्चे फोर्स करे कर को निकल के आगे। यहाँ देखेगा तो सुबह से झड़ी पड़ लको छे बारिश, तो चलो टाइम होता है घर को अब हमें जल्दी जल्दी ताजमहल को निकल रही। तो दोस्तों ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक नए ब्लॉग के साथ हमें ज़रूर मिलती, हमारा नेक्स्ट और लास्ट ब्लॉग आपको ताजमहल का, और ये कल ज़रूर आता है, मिस कराने देखो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।